हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थान में, यानी कि हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा फेमस है दाल बाटी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो चलो बनाते हैं दाल बाटी, और उसके लिए सबसे पहले भिगोते हैं दाल। तो शुरू करते हैं वहाँ से। चलो थोड़ा सा लेना है गुनगुना पानी, और उसमें ऐड कर देनी है ये दाल, और इसको हम रख देंगे 15-20 मिनट के लिए। आधा घंटा भी छोड़ सकते हो अगर आप, आधा एक घंटा भी छोड़ सकते हो अगर आपके पास टाइम है, और पानी भी आप नॉर्मल टेम्परेचर पे ले सकते हो। और तब तक के लिए 15-20 मिनट आप प्रिपरेशन कर सकते हो बाकी दाल की। तो चलो वो करते हैं। तो जी, यहाँ पे चल रही है दाल बनाने की प्रिपरेशन, और मैं छील रही हूँ लहसुन। और अगर आपके पास ये छोटी पलटन है तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो। मेरे पास आ गए हैं ये हेल्प करने के लिए, मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं वीडियो बनाने में। और इसके सारे छिलके ये देखो अलग हो जा रहे हैं। एकदम साफ धुली हुई दाल हमारे पास रेडी है बनाने के लिए। इसलिए सबसे पहले हमने जो लहसुन का पेस्ट बनाया था वो डाल लिया, और फिर इसके अंदर नमक, मिर्ची, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और पानी ऐड किया है। तो दोस्तों, ये सब करके इसका मसाला प्रिपेयर कर लेना है। और फिर हमारा तेल गरम हो गया होगा, तो गरम तेल हो गया है तो इसमें हम डाल देंगे, मैं तो दोनों ही डालती हूँ, जीरा और राई। और जब ये चढ़ाचढ़ होने लग जाए तो हम इसमें डाल देंगे ये हमारा मसाला। सॉरी फ्रेंड्स, जो मैंने यहाँ पे प्याज और मिर्ची काटी थी वो मुझे जस्ट तेल गरम हुआ और राई जीरा डाला, उसके बाद में ये डालना चाहिए था, लेकिन वो स्टेप भूल गई हूँ। तो कोई बात नहीं, हम अभी ऐड कर देंगे क्योंकि ये अभी भी पक जाएंगे। तो मसाला एकदम प्रिपेयर हो गया है, इसने तेल छोड़ दिया है, और अब हम इसमें जो दाल है धुली हुई दाल वो डाल देंगे, और ऊपर से इसमें पानी ऐड कर दें तो कर देंगे बंद। अब इसमें हम धनिया पत्ता और टमाटर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, जो हमारा खाली है इनको भी धोने के लिए सिंक में डाल दें, क्योंकि साथ साथ काम करते जाए वरना बाद में करना पड़ेगा। तो मैं लगा रही हूँ यहाँ पे बाटी के लिए आटा, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया गेहूँ का आटा, उसमें थोड़ी सी अजवाइन ले रही हूँ, और उसको यूं क्रश करके डाल देना है, क्योंकि क्रश करने से इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है, इसमें बहुत अच्छा सा इंडियन होकर टेस्ट आता है। और नमक स्वादानुसार, उसके बाद में हम थोड़ा सा घी डालेंगे मोयन के लिए। और अब इसको अच्छे से मिला लेंगे दोनों हाथों से। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसको पानी डाल के भून लेंगे।
इसका आटा जो है वो थोड़ा सा टाइट ही लगेगा, इसलिए आटा सॉफ्ट नहीं लगाना है। हम बाटी बनाएंगे चूल्हे पे, तो चूल्हे पे बाटी बनाने के लिए सबसे पहले हम जलाएंगे आग। लकड़ी के छोटे 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 जितने छोटे टुकड़े होते हैं वो करके डालने से जल्दी आग जलती है। आग जल गई। अब इसमें हम खूब सारे ये गंडे दे देंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे खीरे चाहिए जिसपे हम बाटी सेक सकें, इसलिए जितने हो सके क्वांटिटी में हमें दे देने हैं, क्योंकि सारे हमको जले हुए कंडे चाहिए जिनको हम खीरे कहते हैं। अब आटा तोड़ के इसकी गोल 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 लोई बनाते जाना है। तो यहाँ पे मैंने सारे आटे की लोइयां बना ली, बाटी बनाने के लिए लोइयां प्रिपेयर कर ली है गोल गोल करके, एक 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 करके सारी। अब इनको चलो सेकते हैं। को बाहर निकाल लेंगे। अब हम इन सारी बाटियों को एक बार पलट देंगे ताकि ये हर तरफ से सिक जाए। आग इधर से डायरेक्ट आ रही है ना, ये बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मतलब गर्म लग रहा है, लग रहा बुखार हो गया। 107 डिग्री सेल्सियस। तो जी ये देखो बाटी चारों तरफ से इस तरीके से इस पे चकते बन जाए, थोड़े ब्राउनिश हल्के से ब्लैकिश, तो ये हमारा यानी कि तैयार है। तो ये हमने सारे को इस तरीके से पका के इस बेच को तैयार कर लिया। अब हमारे पास एक बेच और बच रहा है, इसको प्रिपेयर सेम यही प्रोसेस जो अभी हमने इस बेच के साथ किया है वो सेम करके हम प्रिपेयर कर लेंगे। तो लेट्स डू दैट। तो जी मैंने बाटी के दोनों बेच प्रिपेयर कर लिए हैं उस तरीके से सेक के जैसे मैंने आपको बताया था। अब क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब सबसे पहले राख को थोड़ी साइड में करें और इनके लिए थोड़ी जगह हमको बनानी है। इनके बाद में इधर से हम थोड़ी सी गरम गरम, जिसमें ये कुछ चंक्स जिसमें थोड़े गरम गरम छोटे छोटे खीरे हैं वो हमको ले लेना है इस तरीके से। तो ये वाला स्टेप करने के बाद हम एक 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 करके इनको यहाँ पे डालते जाएंगे। तो खीरे डालने के बाद हम राख से पूरी तरीके से इस तरीके से ढक देंगे इसको। इस प्रोसेस से क्या होगा ना, बाटी अंदर अंदर से अच्छे तरीके से सिक जाएगी यानी कि पक जाएगी। तो ये स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर हम इसमें आग में बना रहे हैं तो। इसको अब बाहर निकाल के और हमें साफ कपड़े से पोंछ देना है। अब इसमें डालेंगे घी। क्या लगे, दाल बाटी मस्त लगे मम्मी थान।
दूसरा तीसरा ये तो राइट करवा ये रहा।